अस्सलामुअलैकुम क्लास फाइव स्टूडेंट्स, हम यूनिट टू द एनिमल वर्ल्ड कंप्लीट रीड कर चुके हैं। अब हम इसकी बुक वर्कबुक की वर्किंग करेंगे। अपनी वर्कबुक ओपन करें, द साइंस फैक्टर पेज नंबर 11। यहाँ देखें, एनिमल सेल। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ एन एनिमल सेल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। आपने यहाँ पे एनिमल सेल को ड्रॉ करना है और उसके दिए गए पार्ट्स को लेबल करना है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। एनिमल सेल आप अपनी रीडिंग बुक पेज नंबर 21 से देख के ड्रॉ करेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 12। विच एनिमल हैज़ विच फीचर्स। लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ अ मैमल्स। यहाँ पे आपको मैमल्स के थ्री फीचर्स लिखने हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड होते हैं। फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग। दे हैव हेयर और फर। लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड। दे ले लेदरी वाटर प्रूफ एग्स। दे हैव फोर लेग्स। इनकी फोर लेग्स होती हैं, एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स, स्नेक के अलावा। लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ आ बर्ड्स। दे आर वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दे हैव फेदर्स एंड विंग्स। इनमें फेदर्स और विंग्स होते हैं। दे हैव अ बीक बट नो टीथ। चोंच होती है मगर दांत नहीं होते। लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ अ फिश। दे लिव इन वाटर। ये पानी में रहती हैं। मोस्ट हैव फिन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू वाटर। बहुत सी फिश में फिन्स होते हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प करते हैं पानी में। दे हैव गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ। इनमें गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये सांस लेते हैं। लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ एन एम्फीबियंस। दे हैव थिन स्किन। दे बींग लाइव इन द वाटर एंड देन लिव ऑन लैंड। दे आर कोल्ड ब्लडेड। लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ एन इंसेक्ट। अ बॉडी डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। वन पेयर ऑफ एंटीना, थ्री पेयर ऑफ लेग्स ऑन देयर थॉरेक्स। सी बुक पेज नंबर 12। अबाउट इंसेक्ट्स। व्हाट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हेल्प आइडेंटिफाई एन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में कौन से ऐसे फिजिकल करेक्टर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन्हें आइडेंटिफाई करने में, यानी कि इनको शनाख्त करने में। द इंसेक्ट्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स की बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। इट हैज़ अ पेयर ऑफ एंटीना। इनमें पेयर ऑफ एंटीना मौजूद होते हैं एंड थ्री पेयर ऑफ लेग्स ऑन द थॉरेक्स। और इनके थॉरेक्स पे थ्री पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन दिस डायग्राम ऑन ऑफ एन आंट। यहाँ पे आपको एक आंट दी गई है जिसकी आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। हेड, एंटीना, सिक्स लेग्स, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ओपन योर बुक पेज नंबर 14। एनिमल वर्ड सर्च। यूज द क्लॉज बिलो टू फाइंड नेम ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ड सर्च। यहाँ पे हमें कुछ क्लॉज दिए गए हैं जिनको यूज़ करके हमने एनिमल नेम्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, और ये वर्ड सर्च यहाँ पे इनको करके कंप्लीट करेंगे। अ मर्सीपियल्स दैट होप्स। वो मर्सीपियल्स जो कूदते हैं या छलांगते हैं, कैंगरू। अ मैमल दैट फ्लाई। वो मैमल जो उड़ सकते हैं, बैट। अ रेप्टाइल दैट डजेंट हैव लेग्स। वो रेप्टाइल्स जिनमें लेग्स नहीं होती, स्नेक। अ वेरी लार्ज मैमल दैट लिव इन द सी। बहुत बड़े मैमल जो पानी में रहते हैं, सी समंदर में रहते हैं, वेल। अ रेप्टाइल विच हाइड इन इट्स शेल फॉर प्रोटेक्शन। वो रेप्टाइल्स जो कि अपने आप को हाइड कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए अपने शेल के अंदर, टर्टल। अ बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। वो बर्ड जो कि बैकवर्ड फ्लाई कर सकते हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स। एन एरेक्निड दैट स्पिन्स अ वेब, स्पाइडर। अ क्रिस्टेशियंस विद अ सिंगल पेयर ऑफ क्लाउज। वो क्रिस्टेशियंस जिनमें सिंगल पेयर होते हैं क्लाउज के, क्रैब। एन एम्फीबियन दैट कैन रीग्रो इट्स टेल एंड लाइम्स, सेलेमेंडर। अ वॉर्म दैट लिव्स इन सॉइल। वो वॉर्म्स जो कि सॉइल में रहते हैं, अर्थ। ये वर्ड्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर आप लोग इन सब वर्ड्स को जो है वो फाइंड करेंगे। जैसे मैंने किया है बैट एंड कैंगरू। इसके साथ साथ आप बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो भी यहाँ से फाइंड करके इसी तरह से इनको जो है हाईलाइट करेंगे।
Now, see your book, page number 15, The Animal Kingdom. Complete this chart of the animal kingdom. यानी कि आपको अपने animal kingdom का ये chart जो है वो complete करना है. Animal kingdom, सबसे पहले हमारे पास animals कितने groups में हमने divide किया? Two groups, vertebrates and invertebrates. इनको मज़ीद further classes में divide किया. Birds, fish, amphibian, reptiles, mammals. Invertebrate में हमारे पास हैं arthropod, काइनोडर्म, नाइडेरियन, स्पंज, मोलेसेस एंड वॉर्म्स. एक्टिविटी नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस. डैश सेल्स इन योर ब्रेन रिसीव मैसेजेस नर्व सेल्स. द डैश इज द वर्ल्ड बिगेस्ट मैमल. वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैमल एलिफेंट. Dash have a pouch in which they carry their young marsupials. All mammals are dash blooded. All mammals कौन से blooded होते हैं? Warm blooded. Snake, turtle and alligator are dash. Snake, turtle and alligators क्या हैं? Reptiles. George's Cuvier was a dash naturalist. Famous animals that do not have a spinal column are called. वो animals जिनमें spinal column present नहीं होता, means के backbone present नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? Invertebrates. Dash are a major source of food for most other animals. Major source हैं food का दूसरे animals के लिए arthropods. Dash and dash are example of arthropods, ant and fly. ये सारी वर्किंग आप लोग पेंसिल से करेंगे और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.